हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल माई एकेडमी। आज के लेक्चर में हम करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, यानी कि ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डेफिनेशन है अपने पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। देखिए डेफिनेशन क्या होगी, लेट जी बी ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन एंड E be the identity element. जी, कोई भी ग्रुप दे रखा है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ई क्या है ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर ए बिलोंग्स टू जी इफ देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम such that a raised to power m is equal to identity, then m is called the order of the group, group ka nahi sorry element ka, the order of a। yani ki g koi bhi group de rakha hai under binary operation multiplication and ए ग्रुप का कोई एलिमेंट गिवन है, देन इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू क्या आ जाए आइडेंटिटी, देन एम जो है वो क्या होगा ए का ऑर्डर होगा। और नोटेशन जो है वो क्या होगी, देखिए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जी जो है वो ग्रुप दे रखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वन जो है ग्रुप दे रखा है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होगी, वन, यानी कि वन जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ वन जो है वो क्या आ जाएगा, वन। नेक्स्ट फिर हम चेक करेंगे ओमेगा का ऑर्डर, तो देखिए ओमेगा की पावर वन कर रहे हैं, क्या आ जाएगा ओमेगा। फिर हम ओमेगा की पावर टू कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है वो टू टाइम्स अप्लाई करेंगे, तो ओमेगा इंटू ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर। फिर हम ओमेगा रेज टू पावर थ्री करेंगे, तो क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा पावर थ्री, यानी कि उस एलिमेंट्स को जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है उसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर तीन बार वो सेम बाइनरी ऑपरेशन तीन बार अप्लाई करना है। ठीक है, अगर पावर तीन दे रखी है तो। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब जो है वो क्या होता है अपने पास, वन। ठीक है, और वन क्या है, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास, थ्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर चेक करना है, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर वन करेंगे, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की पावर टू करेंगे, यानी कि ओमेगा स्क्वायर को टू टाइम्स ऑपरेट करना है जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा रेज टू पावर फोर। और ओमेगा रेज टू पावर फोर जो है वो क्या होता है, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब वन होता है, तो क्या आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे ओमेगा स्क्वायर की रेज टू पावर थ्री, यानी कि ओमेगा स्क्वायर को थ्री टाइम्स ऑपरेट करेंगे अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 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 यानी ओमेगा रेज टू पावर सिक्स। और ओमेगा रेज टू पावर सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा क्यूब जो है वो क्या है, वन, यानी क्या आ जाएगा वन का स्क्वायर, और वन का स्क्वायर क्या रहेगा, वन, और वन क्या है अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा स्क्वायर की पावर थ्री कर रहे हैं तो अपने पास आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, थ्री आ जाएगा। ठीक है, आ गया अपने पास ऑर्डर ऑफ वन जो है वो क्या आ रहा है, वन, ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, थ्री।
और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी क्या है 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जी जो है वो ग्रुप पे रखा है 1-1 iota - iota। ठीक है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है। तो ग्रुप जो है वो दे रखा है अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होगी 1। तो आइडेंटिटी जो है वो क्या आ गया 1। तो 1 का ऑर्डर जो है वो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट देखिए हमें किसका ऑर्डर निकालना है, -1 का। तो -1 की पावर 1 कर रहे हैं, -1 ही रहेगा, -1 raised to power 2, यानी कि -1 को 2 टाइम्स ऑपरेट करना है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 1 आ गया, और 1 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो क्या आ गया -1 raised to power जब 2 कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ गया, विच इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ -1 जो है वो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आयोटा क्या ऑर्डर चेक करेंगे, तो आयोटा रेज टू पावर 1 करेंगे, आयोटा रेज टू पावर जब हम 2 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, क्या हो जाएगा आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं आया तो एक बार और ऑपरेट करेंगे, यानी आयोटा रेज टू पावर 3 करेंगे, आयोटा रेज टू पावर 3 करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब। ठीक है, और आयोटा क्यूब जो है वो क्या होता है अपने पास -आयोटा, ये भी आइडेंटिटी नहीं आया तो आयोटा की अगेन ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा रेज टू पावर 4 करेंगे, तो देखिए आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा अपने पास आयोटा रेज टू पावर 4। ठीक है, आयोटा रेज टू पावर 4 यानी कि क्या लिख सकते हैं आयोटा स्केयर का स्केयर, और आयोटा स्केयर जो है वो क्या होता है -1, और -1 का स्केयर क्या आ जाएगा 1। 1 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यानी कि आयोटा को आयोटा की पावर 4 करने पर अपने पास आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा जो है वो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, फिर हमें किसका ऑर्डर चेक करना है माइनस आयोटा का, तो देखिए माइनस आयोटा की पावर 1 करेंगे क्या रहेगा माइनस आयोटा की पावर 2 कर रहे हैं तो माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर जो है आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, आइडेंटिटी नहीं है तो पावर एक बार और ऑपरेट करेंगे माइनस आयोटा की पावर 3 करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा -आयोटा इंटू माइनस आयोटा। ठीक है, क्या हो जाएगा -आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब जो है वो क्या होता है अपने पास माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आयोटा आ जाएगा, बट ये भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया तो एक बार और ऑपरेट करेंगे तो माइनस आयोटा की पावर 4 करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा -आयोटा इंटू माइनस आयोटा। ठीक है, -आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर, और -आयोटा इंटू माइनस आयोटा यानी आयोटा स्केयर। ठीक है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स -1 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे भी -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया अपने पास। ठीक है, तो -iota raised to power 4 करने पर क्या आ रहा है आइडेंटिटी आ रहा है, तो -iota का ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है।